विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में पौधरोपण किया, जिसके संबंध में कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन प्रत्येक वर्ष पौधरोपण करता है। कुलपति ने कहा कि लोग वन को काट रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों में तेजी आई है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कुलपति ने कहा कि हमारे जीवन में पेड़ों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पौधरोपण जरूर करना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षित रह सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, पीछे वाला जरा जरूरी है, हो रहा है पीछे वाला जो पेड़ है ना, उसको जरा बदलाइए। वृक्षारोपण भी किया गया आपके द्वारा? हाँ, वृक्षारोपण तो इन्वायरमेंट डे का ये सारा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, जो वृक्ष कट रहे हैं उसी कारण ये सब हो रहा है, तो वृक्षारोपण हम लोग ने किया और फिर करने जा रहे हैं यहाँ पे भी, और वहाँ पे स्टार्ट किया है, ग्राउंड में किया है, यहाँ पे भी करेंगे। आज सारा दिन कई प्रोग्राम है वृक्षारोपण के, और हम लोग के अलग अलग टारगेट डिपार्टमेंट में कर रखा है हम लोगों ने, उस टारगेट के अनुसार वो लोग कितना जरूरी है पेड़ लगाना? पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेड़ कटे हैं इसलिए कोरोना वायरस आया है, और ऑक्सीजन का जो इशू है वो ये पेड़ कटने के कारण है, तो ये चीज़ें पेड़ लगाना इसीलिए ज़रूरी है, और ये कंटिन्यूस चलेगा, और ये पेड़ हर साल लगते रहे हैं, इस बार भी कैंपस में लगाएंगे, लेकिन साथ साथ इसको हम ग्रीन इनिशिएटिव के साथ अटैच भी करेंगे।